एक नॉर्मल जो बैटरी आता है ना भाई AAA, उससे भी छोटा है। क्या बात, कितना ठंडी है गुड़गांव में अभी। ऑलराइट गाइस, आज हम बाय करने वाले दुनिया का सबसे छोटा एक फ्लिप फोन, जिसका साइज एक की चैन जितना है और लिटरली उसमें आप सारा काम कर सकते हो जो एक बेसिक से फोन में करते हो। तो चलो फिर गूगल पे चलते हैं, ढूंढते हैं भाई मिलता भी है या नहीं मिलता है। तो ये मैं आ गया गूगल पे एंड यहाँ पे लिख दिया वर्ल्ड स्मॉलेस्ट फ्लिप फोन, और भाई सर्च करते ही देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे एक बंदा पाम पे रखा हुआ है और ये फ्लिप फोन है। और लिटरली भाई आते तो हैं, लेकिन ये मिलेगा या ना मिलेगा ये तो ढूंढना पड़ेगा। 15 minutes later. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी छोटा सा एक फ्लिप फोन है जो एक बंदा अपने हाथ पे रखा हुआ है, और इसका साइज देखो भाई एक की चैन में लगा कर रखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हो इसमें आपको माइक मिल जाते हैं, साथ में कीबोर्ड है, USB चार्जिंग है, इवन इसमें सिम कार्ड लगा सकते हैं। क्या बात है। और इसमें आपको ब्लूटूथ डायलर, सिंक फोन बुक, सिंक कॉलिंग, सिंक म्यूजिक और लॉस्ट वॉन भी आपको इसमें मिल जाता है। तो काफी अच्छा सा डिवाइस लग रहा है। तो प्राइस देखो 2194 है अभी, एंड यहाँ पे आपको 32 MB का स्टोरेज मिल जाता है। काफी अच्छा लग रहा है। चलो फिर इसे बाय करते हैं, देखते हैं एक्चुअल में कितना इंटरेस्टिंग डिवाइस है। दैट्स इट। इधर मैं लैपटॉप का लीड ऑफ किया और ये निकल गया अमेजोन का डब्बा। इतना फास्ट डिलीवरी, मजाक कर रहा हूँ। इस फोन को मैंने ऑर्डर कर दिया था जैसे ही मुझे दिखा था, क्योंकि भाई ऐसे डील मिलते नहीं है जल्दी। तो भाई ये काफ़ी बेसिक सा पैकिंग किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो मॉडल नंबर है J9 वर्ल्ड स्मॉलेस्ट ब्लूटूथ फोन, और यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप मिनी फोन। ओ भाई साहब, ये मेरे हाथ में फोन और इसका साइज मेरे आंख इतना है, देख सकते हो। और ये फ्लिप भी होता है। जैसे ही यहाँ मैंने इसे खोला इसका साइज दोगुना हो गया, और फिर भी इसका साइज देखो भाई एक फिंगर इतना है। और क्या क्या है, चार्जर के जगह पे भाई Type-A2 microUSB केबल है, एक यहाँ पे यूजर मैनुअल है जिसमें भाई सारा चीज के बारे में है। सबसे पहले भाई डिजाइन पे फोकस करते हैं, तो देखो इसका डिजाइन काफी यूनिक सा बनाया गया है। एक जो ब्लूटूथ पहले आते थे ना उस साइज का है ये, एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है सिम लगाने का ऑप्शन जो कि ठीक इसके टॉप में है। और भाई चार्ज में लगाओगे तो इसके लिए आपको इसके फ्लिप करना पड़ेगा, फिर जाकर यहाँ पे microUSB-C से आप चार्ज कर सकते हो। साथ में यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट भी लगे हुए हैं, और भाई बैक साइड में काफी यूनिक सा डिजाइन बनाया हुआ है। इवन इसे आप अपने किचन में भी इसे लगा सकते हो, यहाँ बनाया गया इस तरह से। ये तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन एक चीज और इंटरेस्टिंग है, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भाई क्या किया है, फिर जाके ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलो इसे ऑन करते हैं। ये मैं बटन प्रेस किया। ओह वेलकम, काफ़ी अच्छा म्यूजिक था। यहाँ पे नेटवर्क का आइकन आ गया, बैटरी का आइकन आ गया, नो सिम लिखा आ रहा है, डेट डेट टाइम वगैरह है। तो भाई साइज का आइडिया तो यहाँ से लगा सकते हो, जैसे मैं भी हाथ पे रखा हूँ इस फ्लिप फोन को, एंड यहाँ पे देख सकते हो भाई इतना छोटा सा डिवाइस है। इसे मैं चाहूँ तो इस तरह से मुट्ठी में अपने बंद करके रख सकता हूँ। अब चलो बात करते हैं इसके कुछ फीचर्स का। तो सबसे पहले भाई इस तरह से फ्लिप करोगे तो यहाँ पे ये हो गया इसका एक्चुअल। अब देखो यहाँ पे सारे कीज वगैरह आपको मिल जाते हैं, छोटा सा यहाँ पे डिस्प्ले है जिसमें सारा चीज देख सकते हो। ये जो नेविगेशन बटन है जिसमें लाइट जल रहे हैं, इसी से आपको इस सारे को ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले मेनू में चलते हैं, तो इस वाले बटन को प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखो मैसेज आ गया, कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉक्स, सेटिंग्स, FM रेडियो, ऑडियो, एप्लीकेशन, ब्लूटूथ, मैजिक वॉइस, ये सभी फंक्शन आपको इसमें मिल जाते हैं। अब भाई सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में देखो कॉल सेटिंग है, प्रोफाइल मोड है, यहाँ फोन सेटिंग मिल जाते हैं, CC सेटिंग है, और डिस्प्ले सेटिंग भाई जरा चेक करें भाई इसके अंदर क्या है, कॉन्ट्रास्ट हो गया, बैकलाइट हो गया, और इस वाले नेविगेशन बटन से बैक जाओगे। FM रेडियो का ऑप्शन है, प्लीज प्लग इन हेडफोन, भाई हेडफोन कहाँ लगाएंगे, 3.5 mm जैक कहीं पे है ही नहीं तो इसमें हेडफोन कहाँ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे भाई ऑडियो का ऑप्शन है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट करना चाहो तो वो कर सकते हो। एप्लीकेशन में चलते हैं, यहाँ पे टॉर्च लाइट का ऑप्शन है, जरा टॉर्च लाइट चलाए भाई, टॉर्च इज ऑन, भाई टॉर्च इसमें है ही नहीं कि टॉर्च जलेगा। इसमें अलार्म लगा सकते हो, कैलकुलेटर है, जरा कैलकुलेटर चेक करें, ओके माइनस, ओके एंड इक्वल टू, इसको हमको माइनस करना है 84, क्या बात है। अब यहाँ पे इसे ब्लूटूथ से कनेक्ट करके बढ़िया से यूज कर सकते हो, एज ए फोन डायलर यूज कर सकते हो, गाना वगैरह प्ले कर सकते हो, भले साउंड नहीं आता है बात अलग है। भाई इसे मैंने अभी ब्लूटूथ से पेयर कर लिया है, और यहाँ पे सुनाता हूँ मैं आपको गाना। मैं
अब बारी भाई यहाँ पे कॉल पे बात करने का, तो रुको मैं अभी कॉल पे जा रहा हूँ। भाई आवाज काफी क्लियर आ रहा है, सुन सकते हो क्या आवाज? कितना ठंडी है गुड़गांव में अभी? 38 भाई ठंडी तो है, गर्मी कहाँ से आ गई गुड़गांव में? Meanwhile अब यहाँ पे एक मैजिक वॉइस का सेटिंग है जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें 13 प्रकार के मैजिक वॉइस स्टाइल आपको मिल जाते हैं, जिसमें यंग, कार्टून, ओल्ड, चाइल्ड, मैन, विमेन, इस तरह से आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इवन यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक में भाई फॉरेस्ट, रेन, विंड, ये सब कर सकते हो। तो चलो इसका टेस्टिंग करते हैं भाई, ये कितना अच्छे तरीके से काम करता है। तो कॉल लगाते हैं। तो कॉल लगाने के लिए भाई यहाँ पे नंबर डालो। अब यहाँ पे जैसे ही कॉल लगाने की बारी आई तो भाई यहाँ वॉइस चेंजर का ऑप्शन है, जिसमें आप अलग प्रकार के वॉइस चेंज कर सकते हो। चलो बैकग्राउंड में भाई हम ना बारिश करवा देंगे। ओके, इसके लिए सिम लगाना पड़ेगा। भाई दिखने में छोटा है लेकिन 12 प्रकार के अलग अलग फॉरेन लैंग्वेज भी है इसमें, जैसे इंग्लिश, उर्दू, फ्रांस, हिंदी। इसके बाद इसमें आप देख सकते हो भाई और भी सारे, इटालियन। अब यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, जैसे नीचे वाला बटन जैसे ही प्रेस किया ऑडियो का ऑप्शन आ गया, ऊपर वाला प्रेस करते यहाँ पे साइलेंट, मीटिंग वगैरह का ऑप्शन आ रहा है, इससे बैक हो रहा है, इससे सिलेक्ट होते हैं भाई। तो मेन्यू वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हो और मस्त भाई इसे ऐसे। भाई मजे की बात ये है कि इसका कुल वजन 18 ग्राम है बस। और इसका जो डिस्प्ले है ये 0.5 इंच का है। एक नॉर्मल जो बैटरी आता है ना भाई ट्रिपल ए, उससे भी छोटा है। अब बात आती है सिम का, तो देखो इसमें जियो का सिम काम नहीं करता है, बाकी सारे सिम काम कर जाते हैं। इसमें 300 mAh का बैटरी लगा हुआ है, तो स्टैंड बाई टाइम आपको 3 दिन का मिलता है, और अगर आप कॉल पे रहते हो तो भाई 2 घंटे। ऐसे ये जो डिवाइस है ना काफ़ी यूनिक लगा मुझे, इसलिए मैंने इसे मंगवाया, टेस्टिंग किया, मुझे तो अच्छा लगा भाई। आप बताओ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और वीडियो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो में, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय। अब तो मैं चला अपने प्रेमिका से बात करने। हेलो डार्लिंग। हेलो, हाँ सब अच्छा।